देखिए ये जो प्लान है 40x40 की है, जहाँ पे हम चार बेडरूम देखेंगे, क्लियर। तो देखिए ये प्लान 40x40 है, जहाँ पे आपका ये एंट्री गेट हो रहा है, देखिएगा थोड़ा अच्छा से, काफ़ी अच्छा मज़ेदार प्लान है ये, शायद यूट्यूब पे पहली बार है, ठीक है ना। अभी तो क्या ऐसा प्लान कोई अपलोड शायद नहीं किया है मेरे ख्याल से। देखिएगा ये विंडो का पोजीशन है, ये वेंटिलेटर है, ये मास्टर बेडरूम है, ये विंडो हो जाएगा, क्लियर, ये विंडो हो जाएगा, ये विंडो हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी विंडो हो जाएगा, ये सब विंडो का पोजीशन आएगा, ये वेंटिलेटर हो जाएगा, ये वेंटिलेटर हो जाएगा, ये विंडो हो जाएगा, ये विंडो हो जाएगा। देखिएगा काफ़ी मज़ेदार ये प्लान है। ये आपका डोर हो जाएगा, डोर आपका ऐसे खुलेगा, ठीक है, ये इधर का डोर, ये मास्टर बेडरूम, ये डोर, ये आपका डबल डोर, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आपका बेडरूम है, ये किचन है, ये आपका बेडरूम है, दो बेडरूम हो गया, ये मास्टर बेडरूम है, ठीक है, और ये मास्टर टॉयलेट है, टॉयलेट, ये कॉमन टॉयलेट है, ये मास्टर टॉयलेट है, मास्टर बेडरूम है, और ये आपका एक बेडरूम है, कितना, चार बेडरूम पूरा ना, 1 2 3 4 चार बेडरूम पूरा गया, और ये आपका मास्टर टॉयलेट हो गया, ये कॉमन टॉयलेट हो गया, और ये मास्टर टॉयलेट हो गया, और यहाँ पे हम डाइनिंग दे रहे हैं, ये आपका डाइनिंग हो गया, और ये स्टेयर केस कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है, ये एल टाइप स्टेयर केस है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन कि क्या आपका कैलकुलेशन हो रहा है, तो उससे पहले हम देख लें, यहाँ पे जो वॉल लेंगे हम, आउटर वॉल 5 इंच और इनर वॉल भी हम 5 इंच लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या कैलकुलेशन यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो जैसे हम पहला मास्टर बेडरूम है, इसका हम कैलकुलेशन की बात करें तो 13 फीट 2 इंच हम लेंगे, और इस किचन की हम बात करें तो हम 12 फीट का ले लेंगे किचन, और हम इस बेडरूम की बात करें तो 13 फीट 2 इंच हम लेंगे। ये कुछ आ रहा है कैलकुलेशन, हम पहले विड्थ की सबका बात कर ले रहे हैं, उसके बाद हम लेंथ का बात करेंगे, तो हम इस टॉयलेट की बात करेंगे 6 फीट का, और यहाँ से यहाँ तक का जो होल आपका स्पेस बच रहा है वो 32 फीट है, तो 32 फीट 9 इंच है, ठीक है, 32 फीट 9 इंच होल स्पेस, जो कि ये ऊपर का पोजीशन है। उसके बाद हम बात करेंगे इसका, तो ये भी मैंने 6 फीट लिया है, और यहाँ से यहाँ तक का, बिकॉज यहाँ पे एक टॉयलेट आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम स्पेस होगा, जो कि 28 फीट 4 इंच ये होगा। और ये हम टॉयलेट की बात करें, मास्टर टॉयलेट की, तो हमने 5 फीट का ले रखा है। उसके बाद हम इस बेडरूम की बात करें तो 13 फीट 2 इंच, और उसके बाद हम यहाँ पे 12 फीट का एक लिविंग दे दिए हैं, यहाँ पे लिविंग, ये आपका लिविंग हो गया है, जो कि 12 फीट का हो जाएगा, 12 फीट का। उसके बाद हम ये मास्टर बेडरूम की बात करेंगे, 13 फीट 2 इंच। चलिए यहाँ तक क्लियर रहा बात, अब हम इधर का लंबाई की बात कर ले, तो लंबाई में है ये 13 फीट आएगा। उसके बाद आपका ये जो मास्टर टॉयलेट है, मास्टर बेडरूम का साइज 13 फीट आया, तो मास्टर टॉयलेट का साइज 5 फीट 11 इंच लिए हैं, 5 फीट 11 इंच इसका, और कॉमन टॉयलेट का 6 फीट लिए हैं, और इस बेडरूम का साइज हम 13 फीट लिए हैं। ये कुछ आ रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन। चलिए हम इधर की कैलकुलेशन की बात कर ले, तो 9 फीट का हमने किचन का लिया है साइज लंबाई, और इसकी लंबाई हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का होल लंबाई आपका 30 फीट 4 इंच आ रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं, 30 फीट 4 इंच आ रहा है, ये आपका ये होल लंबाई हो गया है। अब हम इस बेडरूम की बात करें तो 13 फीट का हमने ये ले रखा है,
ठीक है, 13 फीट। उसके बाद हमने यहाँ पे 9 फीट का ये स्पेस आपका आएगा जहाँ पे आपका स्टेयर केस चढ़ रहा है, तो 9 फीट। उसके बाद हम इस टॉयलेट की बात करें तो 5 फीट, 5x5 का आपका टॉयलेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे 10 फीट 11 इंच ये आपका बेडरूम आएगा, तो 10 फीट 11 इंच ये आपका बेडरूम का साइज हुआ। ओवरऑल कैलकुलेशन यहाँ पे पूरा हो गया है। और कहीं अगर लग रहा है कि आपको कुछ छूट गया है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। ये सब इसका डोर हो गया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि पिलर कहाँ कहाँ पे आएगा, कॉलम कहाँ कहाँ पे लगेगा। तो देखिए, पिलर का जो साइज़ आपको लगानी है, वो साइज़ बोले ये आपको लगानी है, जो डिस्टेंस लगानी है एक से दूसरे के बीच लगानी है, वो 13 फीट के दूरी पर लगानी है, ठीक है। क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन के ऊपर। इसी तरीका से आप यहाँ पे लगा लेंगे, देखेंगे इसके आगे कहाँ कहाँ लगेगा तो ये आप लगा लेंगे। ये सजेशन के लिए हमने बता दिया है। कोई भी अगर बता रहा है प्लान में कि हाँ यहाँ से यहाँ पे, कोई चैलेंज करके बता रहा है कि यहाँ पे ही लगेगा, तो ये 110% रॉन्ग है, ठीक है। हम चैलेंज करेंगे कि ये रॉन्ग है, ये जो हम बता रहे हैं ये भी रॉन्ग है, 100% हम चैलेंज करेंगे कि ये रॉन्ग है, कोई भी अगर इसे बतला रहा है तो। क्योंकि ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन के ऊपर। अगर इंजीनियर नहीं है तो ये सजेशन के लिए सही है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, तो समझा कीजिए मेरे बात को, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। और कोई दिक्कत की परेशानी की बात है तो आप हमें कमेंट में बता दें, और आपको कौन सा प्लान बनवाना है ये भी ज़रूर मेंशन कर दे, ताकि हम उस पर ज़रूर काम करके आपका प्लान जो है, जो भी नक्शा वगैरह बनेगा वो बना के दे देंगे आपको वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा ये आप ज़रूर मेरे को फीडबैक देंगे।